बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फोमाइंड। आज का जो टॉपिक है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द फिलॉसफी ऑफ कार्ल पॉपर। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं द आइडिया ऑफ फलसिफिकेशन विच इज़ प्रेजेंटेड बाय पॉपर। पॉपर इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज फिलॉसफी ऑफ साइंस, पर्टिकुलरली हिज थ्योरी ऑफ फलसिफिकेशन। साइंस में उसने जो कंट्रीब्यूशन की है वो उसमें फलसिफिकेशन की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा अहम है। ही आर्ग्यूड दैट साइंटिफिक थ्योरीज शुड बी सब्जेक्टेड टू रेगुलस टेस्टिंग एंड फलसिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू पॉपर, साइंटिफिक थ्योरी मस्ट बी केपेबल ऑफ मेकिंग प्रोडक्शन दैट कैन बी एम्पेरिकली टेस्टेड एंड पोटेंशली प्रूवन। पॉपर कहते हैं कि जो साइंटिफिक थ्योरी है ये प्रोडक्शन से शुरू होता है और फिर जब ये थ्रू फलसिफाइबिलिटी ये प्रूफ हो जाते हैं तो ये थ्योरी बन जाता है। ही व्यूड साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंजेक्चर एंड रिप्यूटेशन। पॉपर कहते हैं कि जो साइंस है ये प्रोसेस ऑफ कंजेक्चर है और रिप्यूटेशन है। जो कोई चीज़ फलसिबिलिटी में वो प्रूफ ना हो जाए तो वो तर्दीद हो जाता है। वेयर थ्योरीज आर कंटिन्यूअली सब्जेक्टेड टू अटेम्प्टेड फलसिफिकेशन। जो दूसरा कंसेप्ट है क्रिटिकल रैशनलिज्म, पॉपर एडुकेटेड पर क्रिटिकल रैशनलिज्म। इसका मतलब है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल स्क्रूटनी एंड रैशनल डिबेट। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल स्क्रूटनी और रैशनल डिबेट बहुत ज़्यादा अहम है अकॉर्डिंग टू पॉपर इन द परसूट ऑफ नॉलेज की तहकुब में। उसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा चाहते हैं कि वह नॉलेज हासिल करे तो उसके लिए क्रिटिकल स्क्रूटनी और रैशनल डिबेट यानी जिसमें माइंड इस्तेमाल हो उस तरह डिबेट इसके लिए अहम है। ही आर्ग्यूड दैट नॉलेज इज़ नेवर सर्टन आर एब्सोल्यूट। नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें ज़रूर चेंज आएगा। एंड साइंटिफिक थ्योरी शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड रिवीजन। इसी वजह से नॉलेज चूंकि एब्सोल्यूट नहीं है इसी वजह से साइंटिफिक थ्योरी क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए और इस तरह इसकी रिविजन होना चाहिए। पॉपर बिलीव दैट द ग्रोथ ऑफ नॉलेज कम थ्रू द कंटिन्यूअल एक्सपोजर ऑफ थ्योरीज टू अटेम्प्ट एट फलसिफिकेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मोर रिफाइंड एंड कम्प्रिहेंसिव थ्योरी इन रिस्पॉन्स टू न्यू एविडेंस। इसी वजह से पॉपर कहते हैं कि जो थ्योरीज है इसके लिए कंटिन्यूअल एक्सपोजर होना चाहिए ताकि वह फलसिफिकेशन के लिए एक्सपोज हो जाए और इसकी जो नॉलेज है वो मोर रिफाइंड हो जाए। थर्ड है द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। पॉपर चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन को विच पोजिट्स दैट जनरल स्टेटमेंट और साइंटिफिक लॉ कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। जो कहते हैं ट्रेडिशनल इंडक्शन जो है वो कहते हैं कि नॉलेज आर साइंटिफिक लॉ जो ये डिराइव होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। ये इसको चैलेंज करते हुए पॉपर कहते हैं कि इंडक्शन इज लॉजिकली फ्लॉड इन दैट द जस्टिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज लाइज इन द एबिलिटी टू विदस्टैंड विद अटेम्प्टेड फलसिफिकेशन। पॉपर कहते हैं कि ये जो मेथड है ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जो डिराइव होता है ये ठीक नहीं है, बल्कि नॉलेज और जो जस्टिफिकेशन है ये जो साइंस है उसकी जो नॉलेज है ये तब साइंटिफिक होगा जब ये जो अटेम्प्ट ऑफ फलसिफिकेशन है ये विदस्टैंड करे और इसके साथ वो तब भी वैलिड हो और इसकी जो फलसिफिकेशन की जो प्रोसेस है उस पर लागू होने के बाद भी ये वैलिड हो। पॉपर प्रपोज दैट रेदर देन ट्राइंग टू जस्टिफाई साइंटिफिक थ्योरी थ्रू इंडक्शन साइंटिस्ट शुड फोकस ऑन टेस्टिंग एंड क्रिटिकली स्क्रूटनाइजिंग। तो मतलब ये है कि ये जो पॉपर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन और ये
जो चीज़ें हैं ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं करना चाहिए, बल्कि साइंसदानों को चाहिए कि वह थ्योरीज को बार बार टेस्ट करें और स्क्रूटनाइज करें। अब आ जाता है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। पॉपर इन हिज सोशल एंड पॉलिटिकल फिलासफी एडुकेटेड द आइडिया ऑफ ओपन सोसाइटी। उसकी जो पॉलिटिकल फिलासफी है, पॉलिटिकल और सोशल फिलासफी में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो क्या एडुकेट करते हैं, ओपन सोसाइटी को, एंड आर्ग्यूड अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म। वो टोटलिटेरियनिज्म के ख़िलाफ़ है और ओपन सोसाइटी के हक में है। इन डेंजर ऑफ क्लोज एंड डॉगमेटिक आइडियालॉजी। वो क्या किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, डॉगमेटिक आइडियालॉजीज की जो डेंजर्स है, वो आइडियालॉजीज जो क्लोज है, मतलब इसमें कोई चेंज लाना पसंद नहीं करते, और जो डॉगमेटिक है। पावर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इस तरह वो अहमियत बयान करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के, फ्रीडम ऑफ थॉट के और स्पीच के, एंड एबिलिटी टू पीसफुली चैलेंज एंड रिप्लेस पॉलिटिकल लीडर्स। ये चीज़ें जो डेमोक्रेटिक है, पॉलिटिकल लीडर्स लीडर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें पॉपर एडुकेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। हिस्सा इन ओपन सोसाइटी इज वन इज डेट अलाउ फॉर प्लोरलिज्म। अकॉर्डिंग टू हिम ओपन सोसाइटी क्या है, जो प्लोरलिज्म को अलाउ करते हैं, क्रिटिकल डायलॉग को अलाउ करते हैं और सोशल प्रोग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म क्या है, अकॉर्डिंग टू पॉपर। सो पॉपर एंडोर्स मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है सोशल फिनोमेना एंड एक्सप्लेनेशन शुड बी रिड्यूस टू द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग। इसका मतलब ये है कि जो सोशल फिनोमेना है एंड एक्सप्लेनेशन है, ये एक्शन एंड डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल तक महदूद होना चाहिए। ही रिजेक्टेड होलिस्टिक अप्रोच। और वो जो होलिस्टिक अप्रोच है, जिसका मतलब ये है कि सोसाइटीज आर ग्रुप जो है, ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज है और ये एक्शन करेगा, तो ये सोसाइटीज एंड ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटीज इसके खिलाफ है और ये इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं। पावर बिलीव दैट सोशल साइंस शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू पावर सोशल साइंस का जो पर्पस है वो ये है कि वो इंडिविजुअल मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करें एंड एक्शन टू एक्सप्लेन सोशल फिनोमेना, और दूसरा ये है कि हाउ टू एक्सप्लेन सोशल फिनोमेना। जो लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी। सो पॉपर आल्सो डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ नॉलेज। सो विच इसका मतलब ये है इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी के नॉलेज इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू पॉपर नॉलेज ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। He argued that scientific theory evolved and improved through the process of variation, selection, and criticism. वो कहता है कि जो साइंटिफिक थ्योरीज है वो ये इम्प्रूव तब होते हैं जब ये प्रोसेस ऑफ वेरिएशन, सेलेक्शन और क्रिटिसिज्म से पास होते हैं। पॉपर कंपेयर दिस प्रोसेस टू द नेचुरल सेलेक्शन बायोलॉजिकल ट्रेड, सजेस्टिंग दैट सक्सेसफुल थ्योरी सर्वाइव थ्रू दियर एबिलिटी टू एक्सटेंड पासिफिकेशन एंड जनरेट न्यू नॉलेज। इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी में वो कहते हैं कि ये जो नॉलेज है ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है और ये विद टाइम इम्प्रूव हो जाते हैं। तो दिस इज सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।